बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ झटपट तैयार करने वाली कढ़ी की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ, जिसके लिए दो दरमियाने साइज के प्याज जो है वो हमने ब्लेंडर में डालनी है, दो अदद हमने टमाटर इसमें डाले हैं, दो इंच का अदरक का टुकड़ा शामिल किया है और एक गठी लहसुन की इसमें शामिल की है। तकरीबन हाफ कप इसमें पानी शामिल कर दिया है और इसको ब्लेंड करके एक स्मूथ सा पेस्ट जो है वो तैयार कर लेते हैं। ये देखिए पेस्ट हमने तैयार कर लिया है। मिक्सर जो हमने तैयार किया है इसको डालते हैं एक देगचे में, साथ तमाम मसाले भी शामिल कर देते हैं। नमक 1 टेबलस्पून, रेड चिली पाउडर 1 टेबलस्पून, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया पाउडर, 5 से 6 अदद फ्रेश कीवी हरी मिर्चें। अब पानी के खुश्क होने तक अच्छे तरीके से मसाला भून लेते हैं। जितनी देर हमारे मसाले का पानी खुश्क हो रहा है, हम बेसन और दही का मिक्सचर जो है वो तैयार कर लेते हैं। 2 कप हमने बेसन इसमें शामिल किया है, 1 kg दही थी जिसको मैंने बीट से उसके लस्सी की तरह उसको ब्लेंड कर लिया है। ये हम बेसन में शामिल करते हैं और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करते हैं। मसाले का पानी तकरीबन खुश्क हो गया है, अब हम इसमें 1/2 कप घी शामिल करते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से ज़बरदस्त सा मसाला जो है वो तैयार है। अब हमने दही और बेसन का जो मिक्सचर तैयार किया है वो इसमें शामिल करते हैं। ये 1 बाउल ये है, 2 बाउल भर के हम इसमें पानी की शामिल करते हैं। 2 बाउल हमने पानी की शामिल कर दी, यानी कि टोटल 3 बाउल हो गए। अब हमने इसको इतना पकाना है कि इसकी क्वांटिटी जो है वो हाफ रह जाए। ये देखें माशाल्लाह से कढ़ी को पकते हुए तकरीबन 2 घंटे हो गए हैं। देखें इसकी कंसिस्टेंसी, देखें बिल्कुल ठीक हो गई है। इस दौरान आपने इसमें नमक वगैरह चेक कर लेना, क्योंकि कढ़ी जो है थोड़ी ज़्यादा क्वान्टिटी में बनती है। हमेशा हम अपने रूटीन के मुताबिक नमक डालते हैं तो फिर इसमें कम फील होता है, इसलिए मैंने इसको टेस्ट करके इसमें 1/2 टीस्पून नमक और शामिल किया है। ये कढ़ी हमारी तैयार है। फ्लेम ऑफ करने से पहले 1 टीस्पून खुश्क कसूरी मेथी ली है, इसको अच्छे तरीके से मसल के तो ये इसमें शामिल करते हैं। ये लें जी मज़ेदार अच्छी खुशबू वाली कढ़ी जो है वो तैयार है। पकौड़े हमने तैयार कर लिया, ये कढ़ी में डालते जाते हैं। तमाम पकौड़े निकाल के मैं ऐसी कढ़ी में डालती हूँ और फिर इसको तड़का लगाते हैं। पकौड़ों से ऑयल बचा उसी में से मैंने 1/2 कप ऑयल ले लिया है। 2 पिंच इसमें डालते हैं अजवाइन, 2 पिंच ज़ीरा और ये 4 से 5 अदद थोड़ा सा कड़कड़ा लेते हैं और ये कढ़ी को तड़का लगाने के लिए तैयार है। तड़के की यही आवाज़ जो है वो सबसे मज़ेदार लगती है। ये लें जी बहुत मज़ेदार, देखें माशाल्लाह से लुक वाइज कितनी ज़बरदस्त लग रही है, यमी। अभी मैं इसको डिश आउट करती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। थोड़ी सी डालते हैं काली मिर्च। ये लें जी माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त मज़ेदार तड़के के साथ हमारी कढ़ी जो है तैयार है। इसके साथ आप बॉयल वाइट चावल तैयार करें और इसको मज़े से इंजॉय करें। आपसे चाहते हैं इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होंगे इसी तरह की एक नई मज़ेदार रेसिपी लेकर। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।